अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर शहर से अतिक्रमण को हटाने के लिए काम जोरों से शुरू है, लेकिन शहर में कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए पिक एंड सूज किए जाने से जिला प्रशासन की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि कुछ रसूखदारों को बचाने की कवायद में जिला प्रशासन दिख रहा है। बता दें कि नादौन चौक से सुजानपुर मार्ग पर दोनों तरफ से सड़क किनारे फुटपाथ बनाने के लिए दशकों से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर रसूखदारों की बंगलों की बाहर नाली के साथ फुटपाथ के काम को विराम लगा हुआ है। वहीं बस अड्डे के सामने खोखा धारकों के अतिक्रमण को हटाने में भी अभी तक जिला प्रशासन नाकाम सिद्ध रहा है। हमीरपुर शहर से अतिक्रमण को हटाने के लिए काम जोरों से शुरू है, लेकिन शहर में कुछ जगहों पर अतिक्रमण हटाने के लिए पिंक एंड चूज किए जाने से जिला प्रशासन की कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, क्योंकि कुछ रसूखदारों को बचाने की कवायद में जिला प्रशासन दिख रहा है। आपको बता दें कि नादौन चौक से सुजानपुर मार्ग पर दोनों तरफ से सड़क किनारे फुटपाथ बनाने के लिए दशकों से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर रसूखदार के बंगलों के बाहर नाले के साथ फुटपाथ के काम को भी विराम लगाया हुआ है। वहीं बस अड्डे के सामने खोखा धारकों के अतिक्रमण को हटाने में भी अभी तक जिला प्रशासन नाकाम सिद्ध रहा है। बस अड्डे के सामने खोखों को हटाने के लिए भी जिला प्रशासन ने आदेश दिए हैं, लेकिन कुछ खोखा धारकों के हाई कोर्ट में चले जाने से मामला घटाई में पड़ गया है। वहीं खोखा धारकों ने भी जिला प्रशासन पर खोखा धारकों की रोजी रोटी छीनने का आरोप लगाया है। वीरेंद्र मल्होत्रा ने बताया कि जिला प्रशासन जबरदस्ती खोखा धारकों पर कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन के द्वारा बनाए गए खोखों में जगह बहुत कम है और ऐसे में खोखे चलाना मुश्किल होगा। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि प्रशासन इस तरह खोखा धारकों पर जबरदस्ती कार्रवाई ना करे। मेरी शॉप एक बस स्टैंड पे है, 88 में मैंने नगर परिषद से ली और वहाँ मैं अपनी रोजी रोटी चला रहा हूँ, अपना बिजनेस चला रहा हूँ। 1988 से अंदाजा 32 साल हो गए। अब इतने पुराने हम हैं, अपने सारे दुकानदार बेचारे छोटी छोटी रुपए ठंडी ठंडी दोनों इकट्ठी करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। कमेटी के किराएदार हैं, रसीदे हमारे पास हैं, सब कुछ है, पूरे सबूत है हमारे पास, लेकिन ये अचानक ही पता नहीं क्या हो गया प्रशासन को कि पीछे चलो या दुकानें गिरा देंगे। हर वक्त तलवार लटका दी हमारे ऊपर, 15 दिन का खाली करने का नोटिस दे दिया। ये नहीं लिखा भी कहाँ बसाएंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं, बिना सोचे समझे अचानक जैसे कोई एटम बम भी फेंक दिया, वो सारे लोग परेशान हो गए, सारे दुकानदार उनके परिवार परेशान हो गए कि क्या बना यार, ये क्या अचानक हो गया। कोई भी बात होती है सहमति से होती है, बिना ये तो सरासर अत्याचार प्रशासन की तरफ से। हम खुद मिलने गए, जिला जी साहब से मिलने गए, अपनी प्रार्थना की, प्रतिनिधि मंडल मिला, सारे को 40-50 लोग मिलने के दफ्तर में, इनके ऑफिस में प्रार्थना की ये ऐसा मत करो, हमें उजाड़ो मत, ठीक है, एक लाइन दुकानें पीछे के रोड को खुला करना करो, हम प्रशासन के साथ हैं। हमारी प्रशासन से फिर बार बार यही गुजारिश है कि प्रशासन हमारी बात को सुने, हमारी मांग को सुने, हमारे वो अच्छे तरीके से बजाए, हम प्रशासन के साथ हैं, प्रशासन हमारे, हम प्रशासन के साथ। स्थानीय दुकानदारों ने मांग की है कि फुटपाथ बनाने के लिए कई जगहों पर ज्यादा खुदाई की गई है, तो कई जगहों पर रसूखदारों के चलते कम जगह पर फुटपाथ बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द फुटपाथ को बनाने के काम को किया जाए, कार्य को जल्दी किया जाए और सबको बराबर न्याय मिले इसमें। कईयों की आप देखोगे, यहाँ ध्यान से देखोगे आप, तो कईयों की ज्यादा खुदाई कर दी, कईयों की कम कर दी। लोग डेली कोई ना कोई हंगामा होता रहता है,
कि वो बंदा उससे मिला हुआ है, वो उससे मिला हुआ है। आप देखोगे एक सर एक दुकानदार है, यहाँ उसकी खुदाई ज़्यादा अंदर कर दी, यानी कि जो बराबर किया जाए और कुछ नहीं, और जल्दी कार्य किया जाए, यही है। कईयों की यहाँ पानी की पाइपें भी टूटी हुई हैं, हर घर में पानी की भी समस्या है, जो पानी नहीं मिल पा रहा है। देखो बहुत लीकेज है, ऐसे डीसी साहब डेली मॉर्निंग में चेक करके जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये है कि हम ये चाहेंगे कि जल्दी इस कार्य को किया जाए। तो बहुत लग रहा है, आप पूरा दिन देखोगे तो सबसे ज़्यादा हमीरपुर में जाम लग रहा है, तो इसी एरिया में लग रहा है। उधर जिला उपायुक्त हरकेश मीना की माने तो उनका कहना है कि जिला प्रशासन पूरे मानकों के तहत खोकाधारकों पर कार्रवाई करने के लिए काम करेगा। फुटपाथ के लिए रसूखदारों को बचाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन अतिक्रमण हटाने के लिए कभी भी पिंक एंड चूज नहीं करेगा और सब जगह कार्रवाई कर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। हम अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब क्योंकि लीगल प्रोसेस होता है, नोटिस का टाइम होता है किसी चीज को, और कार्रवाई क्या, मतलब दिस इज द सेटलमेंट, तो उसमें चला हुआ है सभी के लिए जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन होगा, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू।